आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपते हुए मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्य के अतिरिक्त उनके ऊपर सर्वे कार्य और अन्य कार्य सौंपा गया है, जिससे आंगनवाड़ी में पोषाहार वितरण से लेकर टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अतिरिक्त भोज का काम हटाया जाए, जिससे वे नियमित रूप से आंगनवाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को कृमि नाशक गोलियां चलाई जा रही है, नियमित पौष्टिक आहार बांटा जा रहा है, जबकि डोर टू डोर सर्वे भी करने का कार्य सौंपा गया है। बच्चों का वजन भी केंद्रों पर लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और कार्य बढ़ाए जाने से आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शेष बीमारी का कार्य बंद किया जाए, केवल आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित कार्य सुचारू कराए जाने के निर्देश जारी किए जाए। ज्ञापन देने में समस्त केंद्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। किस बात की लगी सर, हम लोगों को ना डोर टू डोर सर्वे दिया है कोरोना का, घर घर जाके जानकारी लेनी है, तो हम लोग को ऑलरेडी पहले से इतना काम दे दिया गया है। हमारा पोषण अभियान चल रहा है, पोषण ट्रेकर पर एंट्री करनी है, बच्चों का वजन लेना है, क्रमिक नाशक अभियान चल रहा है, बाकी लाडली में एंट्री करनी है, इतने ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही काम है और ऊपर से डोर टू डोर सर्वे का कार्य दे दिया। तो वही हम कह रहे थे सर से, एसडीएम सर से हमने निवेदन किया है कि हमें ये बताया जाए कि हम प्राथमिकता किस कार्य को दें। काम के लिए हम लोगों ने कभी किसी के मना नहीं किया, लेकिन प्राथमिकता हम किसको दें? अगर हम अपना काम नहीं करते तो हमारा वार्ड पीछे जाएगा, कुपोषित बच्चों का वजन लेना है तो वजन भी नहीं हो पाएगा हमारा, सही ढंग से कोई कारण ढंग से नहीं हो, और हमारा मानदेय भी कट जाएगा। यहाँ से आपने क्या मांगे रखी है? हमने ये मांग रखी आवेदन में, हमने सर से यही बोला है कि हम डोर टू डोर सर्वे नहीं कर पाएंगे। अब सर ने ये बोला है करें आप, हमने तीन कर्मचारी, तीन कोई नहीं, हमें महिला बाल विकास के एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका और एक नगरपालिका कर्मचारी, तो नगरपालिका कर्मचारी तो बस हमें दस्तावेज पकड़ा के चले जाते हैं। टीकाकरण में भी आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है क्या? हाँ, आप वहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, टीकाकरण में जब आशा कार्यकर्ता नहीं थी उस टाइम, तब हम लोगों को वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगाई थी, कोविड वैक्सीनेशन में, बाकी उसके बाद हमारी फिर वहाँ पे ड्यूटी नहीं। क्या लगता है आपकी सुनवाई होगी? कहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती, प्रेशर डाला हम लोगों पे, प्रेशर डाल के करवा लिया जाता है हर काम। उसके बाद क्या कदम है आपका यदि सुनवाई नहीं होती तो? सुनवाई नहीं होगी तो, लेकिन हम लोग उस चीज को है ना ऊपर तक है ना, हमने अपने जिले में भी बात करने जा रहे हैं, हम जिले में भी अपनी बात को रखेंगे ताकि हम लोग ऊपर ध्यान दें। अगर है ना महिला बाल विकास को कार्य करवाना है तो हमें अतिरिक्त विभाग के कार्य करने से देने से पहले थोड़ा सा है ना सोचे कि कार्य के किसको हम प्राथमिकता दे के ज्यादा अच्छे से काम करें, वो हमें एक बार हमारे जिलाधिकारी या हमारी CDPO मैम ये हमें बता दें किस काम को अच्छे से हम लोग करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।